हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे आज इस नई वीडियो में। तो मैं आज खेलने जा रहा हूँ हिमलैंड का सीजन 6 एपिसोड 15। तो आपने स्मार्टी पैक के वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। क्या ऐसा भी कोई समुद्र एग्जिस्ट कर सकता है माइनक्राफ्ट के अंदर जहाँ पे रात को पानी होता है और सुबह जब तक पूरा सूरज डूबता नहीं है ना, मेरे को यकीन होगा नहीं वैसे इस बात पर। तो इसका आगे का सब कुछ इस वाली वीडियो में, तो कोई बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को, और मैंने बहुत से लोगों को शॉर्ट आउट भी दिया, वो भी देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि मैं यहाँ पर ब्लैक वॉल के पास था, तभी यहाँ पर मेरे को स्मार्टी पाई दिखता है। तो मैं यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता हूँ और मैं इसकी गर्दन अलग कर देता हूँ, फिर मैं इसको लैब के अंदर ले जाके यहाँ पर ट्रैप कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं इधर किंग ऑडिन के बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर घूम ही रहा था, क्योंकि बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी और मैं बारिश के मजे ही ले रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे वॉल के बाहर से काफ़ी सारे TNT के फटने की आवाज़ आने लग जाती है। तभी जब मैं वॉल के बाहर जाके देखता हूँ, तब मुझे यहाँ पर दिखता है विजार्ड और एक और बंदा। ये दूसरा बंदा पता नहीं कौन था जो मुझसे डर ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में तो ये बंदा मेरे से डर के भाग रहा था, लेकिन फिर पता नहीं इसके पास ये वाला आर्मर कैसा था। इसने एक आर्मर भी नहीं पहना था, तब भी ये बंदा मेरे से फाइट करने की दम रखता है। ये और विजार्ड मिलके इस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको क्या पता TNT से इतनी आसानी से ये वॉल थोड़ी टूट सकती है। और ये बंदा, इससे मुझे पता चल रहा था कि ये हिमलैंड का एक वॉरियर में से कोई एक है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कोई नया वॉरियर कहाँ से आया हिमलैंड के अंदर। फिर मैं इससे दूसरी जगह पे जाके लड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि इससे लड़ते लड़ते मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। अबे बेटे कहाँ भाग रहे, अब तू अब किधर भागेगा बेटे, लेट्स गो। ये शॉट पड़ रहे हैं ना, खाना क्यों खा रहे हैं वो, किसको? ये एक मिनट, इसकी आवाज़ आ रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी। एक भाई साहब, इसकी आवाज मुझे ड्रीम बॉय की तरह क्यों लग रही है? ओ पकड़ भी नहीं पा रहा, पकड़ भी नहीं पा रहा क्या? ड्रीम बॉय तो भाई बैन हो गया है ना गाइस, मेरे पास ना जो पॉल है। नहीं भाई, ड्रीम बॉय नहीं हो सकता, ये कोई और ही है। मतलब ड्रीम बॉय जैसी आवाज होगी, लेकिन ड्रीम बॉय नहीं है। इसको तो मजा आ रहा है बुली करने में। अच्छा भाग, कितना भाग लेगा तू, कितना भाग लेगा बेटे? कहां गया, कितनी हैंडल पड़ी तेरे पास? ओ बेचारा होगा लाला, भाई साहब हैंडल पर दिक्कत रही है भाई तू। लेट्स भाई भाई भाई, ओके भाई साहब, मैंने इसको टेलीपोर्ट तो कर दिया यहाँ पे, लेट्स गो। अभी ये इतनी ज़्यादा एंडरपल कर रहा था ना बारिश, इसलिए मैंने इसको टेलीपोर्ट कर रहा हूँ मार बार इस जगह में। लेट्स गो, यहाँ पर करना है बेटे तू, टेलीपोर्ट होना है यहाँ पे तू। लेट्स गो, ओके। अभी आप किधर भाग रहे हैं? अबे पत्थर से क्या कर लेगा तू यहाँ पे? किधर भाग लेगा तू भाई साहब? इसको लग रहा है ये करने से बच जाएगा, इसकी लगता है बहुत ज्यादा हेल्थ कम है। जीने के लायक ही नहीं हूं, सही मरा था अगर ना। कहां छुप गया ये पत्थर के अंदर? मेरे पास पिकैक्स भी नहीं है इस टाइम पे। एक मिनट, इसको तोड़ना होगा। लेट्स गो, एक मिनट, फट जा। ओके फट गया, फट गया। एक मिनट, अबे ये कहां गया भाई? यहां से तो जाने का भी रास्ता नहीं। आगे भाई साहब, ये यहां से कहां चला गया भाई? एक मिनट, मुझे लग रहा है इसको किसी ने तो टेलीपोर्ट कराया बाहर। भाई विजार्ड होगा ये पक्का, क्योंकि भाई उसे ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस शक्तियों की। भाई साहब इस विजार्ड को नहीं छोड़ने वाला मैं, लगता है ये विजार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अगली बार ये हाथ में आया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सच में। इस बंदे ने गलती से चैट में रिवर्डो लिख दिया था, इस वजह से मुझे पता चल गया इस बंदे का नाम है रिवर्डो। लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने बिना आर्मर के भी मेरे इतने सारे शॉट को झेल लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये पता नहीं इसने यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ था, जहाँ से स्मार्टी पाई को यहाँ से स्केप करके ले जाने में सफल हो जाता है। मुझे नहीं पता इस बंदे ने यहाँ पर इस वॉल को कैसे तोड़ दिया, लेकिन ये पॉसिबल हो गया। रिवर्डो का और मैं स्मार्टी पाई का पीछा इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई साहब अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अभी किल्विस ने जो है काफ़ी सारी एंटिटीज़ को यहाँ पर बुलाया है, समझ लो 50-100 एंटिटी यहाँ पर आने वाली हैं, और सभी एंटिटी मिलके हमारे साथ मिलने वाली हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अभी आज का दिन है हमारा, इसलिए मैं स्मार्टी और रिवर्डो के पीछे नहीं गया था, क्योंकि भाई अभी इन एंटिटीज़ से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे किल्विस ने कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारी एंटिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन गाइस एक मिनट, ये कौन है? ओके ये क्या वेपन है भाई इस बंदे के हाथ में? लेट्स गो भाई, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़ी एंटिटीज आने वाली है यहाँ पे, और ज़्यादा। अभी यहाँ पर थोड़ी कम है शायद, मैं जल्दी आ गया यहाँ पे पक्का। मतलब किल्विस ने बोला था ना, तो भाई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आप हो गई थी, तो भाई रुक ही नहीं पाया भाई मैं कि इतनी सारी एंटिटीज यहाँ पे आने वाली है। लेकिन यहाँ पर मेरे को इतनी ज़्यादा कम क्यों दिख रही है? और हाँ, ये आगे वाले चैम्बर इसलिए खाली, क्योंकि भाई आगे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एंटिटीज़ आने वाली हैं, और पीछे जो है धीरे धीरे लेवल इनका कम होते रहेगा। और अभी यहाँ पर भाई आ ही नहीं है भाई, एक मिनट
एंटिटी 0001 एंटर्ड इन द वॉल। ओके भाई साहब, अभी कोई तो इधर वॉल के अंदर आया, ऐसी एंटिटी साथ ही रहेंगी, तो मैं यहाँ पर वेट करना होगा मेरे को यहाँ पर उनके आने का। मैं इधर लगता है बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर आने वाला होगा भाई किल्विस भी और यहाँ पर एंटिटीज भी। तब तक भाई साहब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ और मैं जाता हूँ भाई साहब सीधे कॉफ़ी बनाने और आता हूँ, शायद तब तक तो आ ही जाएंगे ये लोग। ओके भाई, मैं कॉफ़ी बनाने गया था लेकिन भाई इतनी जल्दी इतने सारे लोग आ गए भाई साहब। ओके मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा देर लगा दिया, तो भाई इसके हाथ में आग चल रही है, लेट्स गो। ओ एक मिनट, ये क्या है? ओ भाई साहब ये कैसी एंटिटी है, लेट्स गो। इसकी स्वॉर्ड देख रहे हो तुम लोग, स्वॉर्ड है पता नहीं क्या है भाई, DNA लेके घूम रहा है ये बंदा हाथ में ही। ओके अब ये अंदर सो रहा है भाई ये बंदा, थक गया लगता है भाई किल्विस का वेट करते करते। दो बंदे इधर भी सो रहे हैं भाई, इनको उठाओ भाई कोई, ये किल्विस का वेट करते करते ही सो गए भाई साहब सही में। ओके काफ़ी, ओ एक मिनट भाई साहब इसकी तलवार देखो भाई, स्वॉर्ड क्या ही तगड़ी स्वॉर्ड है भाई इस बंदे की। ये एंटिटीज़ है भाई सारी, क्या ही एंटिटीज़ को भाई ये जानता है भाई किल्विस, लेट्स गो। ये क्या है भाई, अभी भाई खरगोश क्या है क्या भाई, इतनी लंबी इसकी पूछ है। एक मिनट अभी ये क्या है, ओ भाई इसकी स्माइल तो मेरी तरह है। एक मिनट ये है कौन, लेकिन भाई इसको मैंने पहली बार देखा है भाई, सच में ये आया कहाँ से है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे देखने से ही, पता नहीं। ओके इधर नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल तो वैसे आगे वाली लाइन में कोई भी नॉर्मल नहीं होगा, लेट्स गो। ओ भाई ये क्या है, अबे भाई ड्रैगन है इसके। एक मिनट ये हवा में कैसे उड़ रहा है भाई। ओके अच्छा ये इसी के साथ ऐसा ड्रैगन ने इसका मुंह पकड़ रखा है, कुछ ऐसा सीन है इसका। ये देखो एक और है, ओके इधर एक और है, लगता है उसका भाई होगा ये पक्का, जैसे होगा लाला उला लाला है ना वैसे ही, मतलब उला लाला अभी पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता भाई, वो अभी मिल ही नहीं रहा भाई मेरे को, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा मैसेज करे, शायद अभी वो बिजी है कहीं तो। ओके ये देखो भाई, ये इतने सारे सेम क्यों हैं, एक मिनट। ओके ओ भाई वो देखो किल्विस आ चुका है भाई, किल्विस आ चुका है भाई साहब, ये देखो लेट्स गो भाई। इतनी देर से लोग वेट कर रहे थे किल्विस के आने का, मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर मच रहा था भाई, मेरे को पता ही नहीं चला किल्विस आ चुका है, इधर ऊपर खड़ा हो रखा है भाई साहब। इतने घंटों से भाई इस बंदे का वेट करा जा रहा है यहाँ पे लोग, लेट्स गो। इसने मेरे को देखा, देखो ओके देख रहे कि सभी आए कि नहीं, आ जा भाई किल्विस भाई नीचे आ जा, अब तो ऊपर ही रहना है क्या इसको, आ जा भाई किल्विस नीचे आ जा भाई। ये आ क्यों नहीं रहा भाई नीचे, इसको यहीं से बातचीत करनी है क्या, पता नहीं भाई। भाई साहब ये दम तो है भाई किल्विस के अंदर, दिख तो भाई थोड़ा नॉर्मल रहे, लेकिन ये भाई इतनी सारी एंटिटीज़ को जानता है, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ भी भाई साहब, मतलब कुछ तो हंगामा करने वाला है भाई किल्विस इस टाइम पे। ओके ये बंदों को भाई कोई उठाओ भाई, इनको पता नहीं है क्या किल्विस आ चुका है भाई साहब, सोने दो भाई, मुझे लग रहा है इनको सोने ही देते हैं वही ठीक है, मैं अपने यहाँ पर आके खड़ा हो जाता हूँ आराम से। एक मिनट भाई किंग गॉडिन भी आ गया, लेट्स गो, मैंने इसे देखा ही नहीं है कब आया। ओके किंग गॉडिन भाई, ये भाई अपना एकदम फोकस्ड है भाई बंदों के ऊपर, कौन क्या कर रहे हैं, लेट्स गो। मैं भी यहाँ पे अपना खड़ा हो जाता हूँ एकदम सीनियर भाई। ओके मैं अभी हम लोग सुन लेते हैं पहले ध्यान से। ओके दोस्तों अभी सब लोगों की बातचीत हो चुकी है भाई, सब किल्विस ने सबको एकदम डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, तो अभी हमारी मीटिंग का ये था टॉपिक कि ये सब जो एंटिटीज़ हैं वो हम सब लोगों के नीचे काम करने वाली है, मतलब ये किंग गॉडिन मैं और किल्विस हम सब के लीडर होने वाले हैं, और ये सब है हमारी आर्मी, और इस आर्मी का हमें एक बंदे को लीडर बनाना था, मतलब एक तरीके से सेनापति बनाना था, तो किल्विस ने जो है एक बंदे को सेनापति चुन लिया है। वो बंदा सोच सकते हो तुम लोग कौन होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया था, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल लग रहे हैं भाई साहब, तुम देखो भाई यहाँ पर कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा पावरफुल, ये भाई ये बंदा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो किल्विस ने जो है इसको लीडर बना दिया, इन सब का लीडर, मतलब यहाँ पर कितनी सारी एंटिटीज हैं उन सब का लीडर, मतलब कुछ एंटिटीज आ नहीं पाई लेकिन फिर भी इन सब का लीडर ये होने वाला है, यहाँ का सेनापति, तो इसकी बात ये सब लोग मानने वाले हैं, और इनके ऊपर मैं और किंग गॉडिन और फिर है किल्विस, तो हम सब की आर्मी तो एकदम रेडी है, और उस बंदे को पूरा एकदम रेडी कर दिया किल्विस ने, पूरा समझा दिया अच्छे से। ये बंदा जो है किंग गॉडिन और मेरी टक्कर गए समझ लो, ये मत समझना कि ये हमसे नीचे तो ऐसा कुछ है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, किल्विस ने बताया भाई सबको,
तो दोस्तों मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताने भूल गया कि भाई जो हमारा सेनापति होने वाला है उससे भी एक बंदा नीचे होने वाला है, मतलब सेनापति के भी नीचे एक बंदा होगा, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला है एक बंदे के मतलब हाथ में। तो मतलब ये तुम लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये सारी एंटिटीज़ हैं पहले तो, और इन सबको संभालने के लिए पहले तो हमारा सेनापति होगा और उसके नीचे भी एक बंदा होने वाला है, वो देखभाल ही करने वाला है कि भाई एंटिटीज़ कुछ आपस में ही ना भिड़ जाए। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि भाई एंटिटीज़ हैं, ये अपना घमंड होता है भाई इनके अंदर। लेट्स गो। ये देखो ये जो बंदा है ना, ये है हमारा सेनापति और इन सबको ही लीड करने वाला है, और इन सबको लीड करने वाला है ये बंदा। मतलब ये दोनों मतलब इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं दोनों, इसलिए इसको भी आई को ही काम दिया। इसके हाथ में तुम लोगों को ये दिख रहा होगा ना लाल लाल, तो इन सबके हाथ में लाल लाल से, क्योंकि ये इन सबका लीडर है और ये इसकी ये पूरी आर्मी है भाई, इसका हेड ये है और इसकी आर्मी, ये सारी आर्मी है, मतलब ये खुद लेकर आया भाई इन सब बंदों को। इसके हाथ में जो ये लाल लाल दिख रहा है, इनके हाथ में इसलिए है भाई ये सब, आधी से ज़्यादा भाई सेना तो इसी बंदे की है, तुम लोग समझ लो, क्योंकि भाई इसको नहीं बनाएंगे तो भाई ये शायद ज़्यादा बात ना माने इस बंदे की। देखो एकदम सेम सेम है भाई, इसके पीछे भी लाल है, देख रहे हो ना, ये बंदा दिखा भी रहा है देखो घूम घूम के, देखो भाई ठीक है। और ये बंदा जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा अभी आगे जाके लगता है दोस्त बनने वाला है, क्योंकि अभी तो भाई इससे बातचीत कुछ हो नहीं रही है, और अभी देखते हैं भाई इसको हम लोग दोस्त बनाएंगे आगे जाके, देखते हैं भाई साहब, क्योंकि भाई एंटिटीज़ को भी दोस्त बनाना होगा तभी तो भाई हम लोग कुछ तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं पता भाई अभी किल विस का क्या प्लान है आगे का, क्योंकि भाई कुछ तो भाई वो तगड़ा करने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोगों को बुलाना कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग यूनिवर्स से आए हैं, ऐसा नहीं है कोई एक यूनिवर्स से आए हो, सारे अलग अलग यूनिवर्स से आए हैं भाई। और अभी किल विस है वही भाई बताने वाले, देखते हैं भाई क्या होता है आगे जाके। और ये बंदे तो भाई अभी तक नहीं उठे, पता नहीं क्या चल रहा है भाई इनका नशे में, ये भाई लगता है इनकी किसी से तो लड़ाई हुई होगी, तो भाई थक के यहीं आके भाई सो गए, आते आते ही भाई वो लोग थक गए होंगे पक्का, ऐसे लग रहा है। ओके अभी मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी कोई काम तो है नहीं, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग तो भाई पूरी हो चुकी है, और ये हमारा मीटिंग हॉल है एक तरीके से, और ये कोई अलग जगह पे नहीं है भाई, किंग गॉड इनकी जो वॉल है ना, मतलब उसकी जो बिल्डिंग है उसके पीछे ही है, जस्ट पीछे, मतलब उसके पीछे तो पहले किल विस का ये इतना बड़ा कैप्सल है, फिर उसके पीछे जाके मीटिंग हॉल है, और हम लोग इसके बीच में बनाने वाले हैं एक फाइटिंग जोन। तो दोस्तों आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।